सभापति महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपका ध्यान एक बहुत ही संवेदनशील और दुर्भाग्यपूर्ण मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ गत 30 अगस्त 2002 से सभापति महोदय हमारे नौसेना के आठ जो सेवानिवृत्त अधिकारी हैं उनको कतर में दोहा में सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है और उनके खिलाफ़ क्या आरोप है ना उनको वो आरोप बताए गए हैं ना उनके परिवारों को वो आरोप बताए गए हैं और 90 दिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखने के बाद जब उनको 1 दिसंबर 2002 को एक अदालत के सामने पेश किया गया उनकी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की अवधि फिर 30 दिन के लिए बढ़ा दी गई मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ विदेश मंत्री भी अभी आएंगे अपने बिल को सदा सदन के पटल पर रखने के लिए कि ये बहुत ही गंभीर मामला है हमने 4 दिसंबर 2002 को नेवी डे मनाया है और ऐसी परिस्थिति में एक एक पड़ोसी देश में हमारे आठ सेवानिवृत्त नौसेना के अधिकारी अगर 120 दिन से ज्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में हो और ना उनको बताया गया ना उनके परिवारों को बताया गया और शायद भारतीय दूतावास को भी नहीं बताया गया कि उनके खिलाफ क्या आरोप है ये बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि कतर की सरकार के साथ इस मामले को तुरंत उठाया जाए Or ye jo rihaak Laya Stay with the Times of India for news breaks, analysis, interviews and events. We bring you stories from your neighborhood and from across the globe as well. Subscribe to our YouTube channel, hit the like button and press the bell icon so you don't miss any of our videos.